देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि जैसे तुमने एक स्कूटर परचेज करा किसी बंदे ने, ठीक है, उसका कितने का खरीदा, 42,000 का खरीदा, तो यहाँ पे जो तुम्हारा इनिशियल अमाउंट हो जाएगा, क्या बताया, जो इनिशियली होता है दैट इज योर पी, है ना, तो यहाँ पे स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 42,000, ठीक है। अब ये देखो बेटा, एक साल के बाद क्या होगा, जब तुमने स्कूटर खरीदा, तुम अगर चाहो अब इसको सेल करना, तो ऐसा तो नहीं है तुम इसे 50,000 रुपये का भेजोगे, क्यों, क्योंकि भाई साल भर में आपने कुछ चलाया भी होगा, तो किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट होती है, कम होती है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, आर है, वो कितना है, 8% है, ठीक है, 8% से इसकी वैल्यू हर साल कम होगी। तुमको अगले साल निकालना है एक साल के बाद, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको निकालना है अमाउंट कि कितने का होगा एक साल के बाद, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 raised to the power t। सही है, हमने यही पढ़ा है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो बेटा इसको कम कर रहा है, ये डेप्रिसिएशन का रेट है, ठीक है, जिस रेट से कम हो रहा है, तो याद रखो जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगता है तो नेगेटिव साइन लगता है, ठीक है, बाकी तो सब सेम एकदम। चलो ये हो जाएगा 42,1,2,3,0, 1 - R कितना है, 8/100 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, टाइम तो 1 है, 1 होना ना होना बराबर ही है, ठीक है, 42,1,2,3, ठीक, 100 रखो, एलसीएम लो, 100 - 8 कितना हो जाएगा बेटा, 98 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 42,1,2,3 × 92 / 92/100 हो जाएगा, ठीक, ज़रा 00 से 00 हटाओ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचेगा, ये मल्टीप्लाई करो उसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 38,640। ये क्या आ गया, इसकी रेट आ गया एक साल के बाद इसकी क्या कॉस्ट होगी, ठीक है, स्कूटर की, सही, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रीनो सॉल्यूशंस।